पिछले वीडियो में हमने देखा स्क्वायर निकालने की ट्रिक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। यह ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है, आप क्वेश्चन को देखते ही उसका स्क्वायर रूट बता देंगे। इस नंबर का स्क्वायर रूट 81 या 89 होगा, यह मैंने कैसे बताया यह बात जानने के लिए आपको कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे और कौन से नंबर है और उन्हें कैसे याद किया जाता है। आपके सामने जो भी क्वेश्चन होगा उसका यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6 या 9 है तभी वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 इसमें से कोई नंबर होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए इसको समझने के लिए हम स्क्वायर टेबल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। उसी तरह क्वेश्चन में 4 होगा तो उसका स्क्वायर रूट 2 या 8 होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर 5 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होगा तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 7 या 3 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और नंबर आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी ट्रिक का यूज करके मैंने देखते ही ये बताया कि 7921 का स्क्वायर रूट या तो 81 होगा या 89 होगा। ट्रिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें इन दो नंबर्स की पेयर बनानी है और देखना है इसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है। इसके यूनिट डिजिट पर 1 नंबर है तो हमारे आंसर में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आंसर के यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा। इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन के यूनिट डिजिट को देखकर आसानी से पता लगाएंगे कि आंसर के यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा। स्टेप सेकंड में हमें यह देखना है कि ये बचे हुए नंबर किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 79 इन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। हमें ऊपर वाले नंबर को लेना है यानी हमारा आंसर 81 या 89 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स में लड़ाई होगी। अब अगले स्टेप में हमें यह डिसाइड करना है इसमें से कौन सा नंबर हमारा स्क्वायर रूट होगा। हमारा आंसर सेलेक्ट करने के लिए हमें यह देखना है कि हमारा बचा हुआ नंबर इन दोनों नंबर के किसके सबसे पास है। अगर हमारा बचा हुआ नंबर ऊपर वाले के पास होगा तो हमारा आंसर 81 होगा, और अगर हमारा नंबर नीचे वाले नंबर के पास होगा तो हमारा आंसर 89 होगा। 79 81 के नज़दीक है तो हमारा आंसर 89 होगा। यह ट्रिक यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यूनिट डिजिट को देखकर हम बता देंगे कि या 1 होगा या 9 होगा, फिर इन दो नंबर का काम खत्म होगा। अब हमें इन दोनों नंबर पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि यह नंबर किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। 57 और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा तो हमारा आंसर या तो 71 होगा या 79 होगा। अब लास्ट स्टेप यह डिसाइड करने के लिए हमारा आंसर कौन सा होगा। हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारा नंबर किस नंबर के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। 50, 49 के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए हमारा आंसर होगा 71। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें 2 का पेयर बनाना है और यूनिट डिजिट को देखकर यह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। अब हमें इन तीन नंबर पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा बचा हुआ नंबर किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा। हमारा बचा हुआ नंबर 15 और 16 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। 15 का स्क्वायर है 225 और 16 का स्क्वायर है 289, तो हमें ऊपर वाली संख्या लेनी है तो हमारा आंसर
152 होगा या 158 होगा। आंसर डिसाइड करने के लिए हमें यह देखना है कि हमारा नंबर इन दोनों में से किसके ज़्यादा नज़दीक है। हमारा बचा हुआ नंबर 225 के ज़्यादा नज़दीक है तो हमारा आंसर 152 होगा। यह ट्रिक यूज करके आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।